पुराने डॉक्टर थे। डॉक्टर गंगवार सर, जी सर, जी सर। आपका मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है कि क्या है? हाँ और सर वो वही सर, वो फिर से पॉकेट में पड़ा हुआ था, वो क्या कहते हैं, डन स्पीकिंग चला गया सर का। पॉकेट में रखिए ही मत ना सर, मत रखिए पॉकेट जी में। सर, जी सर, सर। ठीक है, जी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, शांत मत बैठिए, किसी न किसी को कुछ बोलना पड़ेगा, या तो विषय से रिलेटेड कुछ बोलिए। हेलो, हाँ सर बताइए सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील भोपाल से बोल रहा हूँ। सभी वैद्यों को प्रणाम, गुरु पूर्णिमा की सब लोग को बहुत बहुत बधाई, स्पेशली डॉक्टर अरविंद सर एंड डॉक्टर नवीन जोशी सर को। सर मेरी आवाज आ रही है? आइए सर, आइए। सर मैं इस आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म से 2020 अप्रैल से जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे गुरु डॉक्टर यूएस निगम शाम को 4 बजे फेसबुक पे आते थे, तो मैं अचानक फेसबुक सर्च कर रहा था तो मुझे उनका वीडियो दिखा, तो फिर उनका डेली का समय मुझे मालूम पड़ा। जब से मैंने आयुष दर्पण पर सर्च इसको देखना चालू किया, मैं डॉक्टर नवीन जोशी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने, वो शायद डॉक्टर यूएस निगम को इस प्लेटफॉर्म पर लेके आया सबसे पहले, जिससे मैं उनका शिष्य होने के नाते मुझे, मैं जब थर्ड ईयर में था तब वो मेरे गुरु बनकर आए थे मेरे कॉलेज में उज्जैन में, तो उनकी प्रेरणा से ही मैंने बीएमएस करने के बाद आयुर्वेदिक प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। जब मैंने उनको फेसबुक पे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उनके पूरे नोट्स, मेरा रिविजन होता था उनको देखकर, एंड देन उसके बाद फिर डॉक्टर अटक सर मिले, तो उन्होंने जो उनकी शैली पढ़ाने की मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं कंटिन्यू उसको वॉच करता, स्टिल अभी भी वॉच करता हूँ। बहुत एक तरीके से मेरा जो, मेरे को करीब 30 साल हो गया बीएमएस के, हुए 1991 का पास आउट हूँ उज्जैन से। तो मुझे क्या है कि आयुर्वेद प्रैक्टिस में बहुत नई नई चीजें, जैसे रिविजन होता है तो एक टच रहता है उसमें, मेरे प्रैक्टिस में मुझे बहुत लाभ होता है। क्योंकि क्या, 30 साल जब हम किताब के टच से दूर हो जाते हैं तो फिर किताब खोल के हम लोग देखते हैं, क्योंकि अभी क्या पेशेंट का इतना रोलिंग रहता है कि टाइम नहीं मिल पाता। बेटी 1 घंटे के लेक्चर सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पेशली डॉक्टर नवीन जोशी सर को एंड डॉक्टर पाठक सर को, धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रणाम सभी गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरा सभी के चरणों में नमन। मेरा भी आयुष दर्पण से फेसबुक यूट्यूब को सर्च करते समय अरविंद पाठक सर के और नवीन सर के यूट्यूब पे जो लेक्चर आते थे उनको मैं रिकॉर्डिंग सुन पाता था, लाइव नहीं सुन पाता था। फिर बाद में जब मुझे समय पता लगा तो लाइव सुनने लगा। उसके बाद से मेरा सर के जो आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म से जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया, और अब तक मुझे लगभग 2 साल के आसपास हो गए। सर की जो कोरोना काल में वेबिनार होती थी, लाइव वेबिनार होती थी, दो दो तीन तीन घंटे की, वो भी उस टाइम खूब सुनी थी, कोविड पोस्ट कोविड पीरियड में। और आयुर्वेद का तो मैं शुरू से ही, जिस दिन से स्नातक था उसी दिन से मुझे आयुर्वेद के प्रति लगन थी। मैं एलोपैथी में बहुत कम विश्वास करता था, क्योंकि इसके जो दुष्परिणाम है वो मैंने कई बार देखे हैं, कि कई पेशेंटों के मतलब दवा खाते समय भी रीनल फेलियर हो रहे हैं, हार्ट फेलियर हो रहे हैं, ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं, बॉडी में स्वेलिंग आ रही है। तो मैं सोचता था कि ऐसी चिकित्सा पद्धति से जब रोग की चिकित्सा लेते समय भी उपद्रव शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं, तो इससे बेस्ट तो आयुर्वेद है, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि चिकित्सा ऐसी होनी चाहिए जिससे शरीर में दूसरे रोग की उत्पत्ति नहीं हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे आयुर्वेद से बहुत ही लगाव है, और अब जब आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तब
तब से तो क्या है कि निरंतर निखार आता रहता है, और मैं बहुत सारी वर्कशॉप भी जैसे मेरे आसपास एरिया में होती है या मुझे किसी टॉपिक से रिलेटेड लगती है तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। अब जैसे अग्निक्रम का प्रोसेस है वो यूट्यूब वीडियो इनसे देख के सीखा हूँ। कपिंग थेरेपी है, रक्त मोक्षण है, इसके लिए एक वर्कशॉप मैंने ज्वाइन की थी दिल्ली, वो दिल्ली में भी एक ज्वाइन करी थी, और एक वर्कशॉप मैं उज्जैन भी ज्वाइन करके आया था। तो ऐसे धीरे धीरे जो छोटे छोटे वर्कशॉप होते हैं आपके पास नियरली, उनको भी ज्वाइन करना चाहिए जिससे आपको निरंतर अपग्रेडेशन मिलता है। अभी क्या होता है कि आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा मतलब लोग क्या है कि, या चिकित्सक क्या है कि मतलब रोगी में निदान अच्छे से नहीं कर पाते। हालांकि मैं ये सभी के लिए नहीं कह रहा, बहुत सारे वैद्य हैं जो नए हैं उनमें काफी निखार आया है, पुराने हैं वो तो फिर सीनियर से जिन्होंने संस्कृत को अच्छे से पढ़ा है। बाकी आयुर्वेद में क्या होता है कि निदान जैसे अवस्था अनुसार भेद, ऐसा नहीं होता है कि रोगी को एक एक औषध लिख दी और रोगी उसको खाता रहेगा 3 महीने 4 महीने तक, ऐसा नहीं होता। हर मतलब 15 दिन में रोगी की अवस्था भी बदल जाती है और उसकी दोष की प्रकृति भी बदल जाती है। तो इस चीज का बहुत ही ध्यान रखते हुए जब सटीक चिकित्सा की जाती है, जैसे सर कई बार बताते हैं कि भाई पहले रस पाचक दो, फिर रक्त पाचक दो, फिर मांस पाचक, फिर अस्थि मज्जा पाचक, फिर ऐसे जो दिया जाता है तो उससे शरीर की उत्तरोत्तर धातु में वृद्धि होती है, और यही आयुर्वेद चिकित्सा है। जब ऐसा किया जाता है तो रोगी ठीक होता है और आपको भी यश मिलता है। और कभी भी रोगी के अनुसार नहीं चलना चाहिए। जैसे अरविंद सर कहते हैं मैंने बोल दिया भाई ये नहीं करना तो ये नहीं करना, अगर ऐसे रोगी को आप उसकी बातों में हाँ हाँ करते हो, उसके प्रति थोड़ा लाइजन बरतते हो, तो आप उस रोगी को ठीक नहीं कर पाते हो, क्योंकि वहाँ आपकी सिंपैथी रोगी के प्रति जुड़ जाती है, तो जो रोग से उसका भी ध्यान भटक जाता है और जो पथ्य पालन है उनसे भी रोगी को मतलब नुकसान ही होता है। तो पथ्य पालन नहीं कर पाने से नुकसान होता है और उसकी चिकित्सा में समय लगता है, तो जो कि एक आयुर्वेद के सिद्धांतों के विरुद्ध जाता है। इसलिए तो मैं सभी गुरुवर को, खासकर नवीन सर, अरविंद पाठक सर, अंजना मैम, वंदना मैम और सभी सीनियर और जूनियर मेरे जो साथी चिकित्सक है वैद्य हैं उनको एक बार प्रणाम करता हूँ। रोज इस आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म पे नई चीजें, नई योजना, नई युक्ति, आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागरूकता, इन चीजों को मोटिवेशन करने के लिए यहाँ प्रेरणा मिलती है, उसके लिए मैं सभी गुरुवरों को प्रणाम करता हूँ और गुरु पूर्णिमा की सभी को बधाइयां देता हूँ। धन्यवाद सर। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी गुरुजनों को और साथी वैद्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयुष दर्पण से जो कुछ मैंने सीखा है उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी देर के गैप में फिर कुछ प्रैक्टिस कर पाऊंगी, बट अरविंद सर आपकी मोटिवेशन से और सभी के एक्सपीरियंस जो मैं सुनती रहती हूँ, और नवीन सर से मैंने मर्मा की क्लास ज्वाइन करी और पल्स की भी करी, और बहुत मोटिवेशन मिली है मुझे। अपने घर में आसपास सभी को मदद करने में बहुत आनंद आता है। ये सब आप ही की वजह से है सर, और दिल से सभी को नमन और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। पाठक सर प्रणाम, जोशी सर प्रणाम, सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है सर, बोलिए सर। जी 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 सर, जी सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब से सर मैं आयुष दर्पण से जुड़ा तो मेरी सोच में बहुत फर्क आया सर जो है, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने अभी BMS की पढ़ाई शुरू की है सर, तो अभी तो मैं समझता हूँ शुरुआत है, और क्योंकि सर्विस की वजह से बड़ा डिस्टरबेंस रहता है, मैं पूरी तरह से ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ। तो अभी मेरा सर जो है मार्च में रिटायरमेंट है, है? इसके बाद से मैं डेडिकेटेड स्टूडेंट स्टूडेंट बन जाऊंगा आपका सर जो है, और बहुत कुछ सीखना भी बाकी है मुझसे मुझे आपसे। और जब से सर मैं जुड़ा हूँ आपसे तो मेरे पास नंबर ऑफ पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं,
और सोचने का तरीका बदल गया है। और स्पेशली सर मैं बस उत्तर बस्ती क्या करता था बहुत पहले से, लेकिन सर जब से आपसे जुड़ा तब से मुझे जो है उत्तर बस्ती में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ सर जो है, और पेशेंट की रिकवरी इतनी फास्ट हो गई कि मैं सोच भी नहीं सकता था। तो मैं बहुत सारा सर धन्यवाद आप लोगों को, और आप सभी लोगों से कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता है सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। सर मुझे कुछ पूछना था। कल ना सुबह में मेरे बेटे को एकदम बुखार हो गया, वो तकरीबन 2 ईयर्स और 5 मंथ्स का है, तो उसको बुखार हो गया, तो उसको मैंने सुदर्शन घनवट्टी दी थी आधी गोली, तो उसके बाद वो ठीक था। तो एकदम से मैं अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने गई और एकदम से ना उसको, मेरे को घर से फोन आया मेरे मदर इन लॉ का कि उसको ना उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा है और थोड़ा सा आधा चम्मच जैसे झाग निकला। बट उसके बाद मैं तो बेटी को ड्रॉप करने गई थी, तो उन्होंने कैब करके उसको हॉस्पिटल ले आई इधर चाइल्ड हॉस्पिटल में। तो अभी भी वो यहाँ पे एडमिट है, तो अभी मैं हॉस्पिटल से ही बात कर रही हूँ। तो उसको जैसे ही उसका बुखार 102 रहता है, तो उसकी पूरी बॉडी ना शिवर कर रही है उसके बच्चे की। तो डॉक्टर से बात की तो वो बोल रहे हैं कि एपिलेप्टिक फिट्स नहीं है, क्योंकि जो बच्चा है ये पूरी तरह कॉन्शियस है, पर अपना उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा है, शिवर करता है जब भी उसका फीवर 100 से ऊपर हो जाता है। तो अभी तो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा मेरा, तो इसके बाद से मैं ऐसा क्या ट्रीटमेंट करूँ किसको ये दोबारा से ये इशू हो ही ना लाइफ में, क्योंकि मेरे लिए प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है इस चीज़ को हैंडल करना। उसको अकेला नहीं फिर इस तरह से छोड़ा जा सकता कहीं भी। एज कितने मैम बच्चे की? सर 2 ईयर्स 5 मंथ्स एज है उसकी। तो मैम फिब्राइल कन्वल्जन हो सकते हैं ना ये फिब्राइल की वजह से? नहीं, उन्होंने बताया कि फिब्राइल सीजर हो जाते हैं, मतलब अंटिल 5 ईयर्स ऑफ एज हो जाते हैं। तो उन्होंने कैल्शियम लेवल भी चेक कर लेना मैम, हाइपोकैल्शियमिया और फिब्राइल सीजर ये बच्चों को कॉमन है। वो सब उन्होंने चेक, ब्लड रिपोर्ट्स उन्होंने कल ही सैंपल ले लिया था। इससे पहले विटामिन डी उसका लेस था, उन्होंने वो अरेकिटोल करके वो जो रहता है वो छोटी छोटी डिब्बियां आती 2.5 ml की वो दी थी, बट उसको जब भी मैं वो देती हूँ पीने के लिए उसको प्रोजेक्टाइल वॉमिट हो जाता है। तो इसके मैंने 1 महीना उसको दिया, बट उसके बाद मैंने देना बंद कर दिया उसको। जैसे घर में ही उसको थोड़ा सा धूप में हल्का, जैसे सुबह की धूप में या इवनिंग में थोड़ा हल्की धूप में उसको लेके जाने लगी, क्योंकि उससे ना उसको वॉमिट हो जाता था जब भी वो विटामिन डी लेता था। मुझे नहीं पता क्यों होता था, बट उसको जब भी वो लेता था उसको हो जाता था। तो इसमें मैं सर पर्टिकुलर पूछना चाहती हूँ, क्या मैं कोई मात्रा वस्ती या कोई पर्टिकुलर करना चाहिए मुझे, ताकि उसको दोबारा से इतना फीवर हो ही ना? प्रणाम, पहले तो बताती हूं। हेलो मैम जी। पहले तो रूल आउट करो ये सीजर है भी है कि नहीं। देखो सीजर के क्लासिकल जो प्रेजेंटेशन रहती है, जर्किंग मूवमेंट रहेगा, या तो वन साइडेड रहेगा, आई अप्रोलिंग रहेगी, फ्रोथिंग डिस्चार्ज रहेगा मुंह से, ठीक है ना, और अनकॉन्शियस हो जाएगा। और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था, वो कॉन्शियस था। मैंने क्योंकि अपने मदर इन लॉ से बाद में भी पूछा, इधर डॉक्टर ने भी पूछा, तो वो पूरे रास्ते में मम्मा पापा ऐसे करते ही आया वो। और मतलब अगर जैसे सीजर का तो पता नहीं, क्योंकि वो अभी छोटा है, तो उसको डायपर डाला था, उसको भी स्कूल के लिए रेडी किया था, वो अभी ज्वाइन ही किया है नर्सरी में, तो उसको भी रेडी किया था, बट उसको फिर स्कूल नहीं लेके गए, फिर सीधा हॉस्पिटल ले आए उसको भी। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आप एक काम करिए, बच्चे को फिब्राइल जो हाइपरपाइरेक्सिया बोलते हैं उसकी वजह से कभी कभी जो ब्रेन का स्टिम्युलेशन सेंटर होता है उसके अंदर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऐसे कन्वर्जन फिट्स आ सकते हैं, दैट्स टेम्पररी। ओके, और जैसे कि आपने बताया आपके सारे रिपोर्ट्स वगैरह भी नॉर्मल हैं, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स और कैल्शियम और विटामिन D3 का इम्बेलेंस है, तो उसके लिए अपने आयुर्वेद में है ना गोदंती भस्म 1 mg, और उसके अंदर यष्टी मधु डाल दीजिए, थोड़ा सा शहद के साथ 3 टाइम उसको चटा दीजिए, 2.5 साल का है ना तो 2 टाइम चटा दीजिए, ठीक है। गिलोय सत्तू भी ऐड करना चाहिए ना, साथ में फीवर पे भी काम करेगा गिलोय सत्तू।
जी मैडम गिलोई, हाँ गिलोई सत्तर, हाँ जी जी मैडम गिलोई भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी पायरेक्सिया कंट्रोल में है तो इतना मतलब गिलोई चूर्ण नहीं, अभी वो तो हॉस्पिटल में कंट्रोल में है ना, क्योंकि अभी तो आज शायद डिस्चार्ज मिल जाएगा, बट ऐसा होता है कि जैसे वो फीवर हुआ ना इससे पहले 2 मंथ्स बैक ऐसे हुआ था, तो वो तब क्या हुआ था बिल्कुल ऐसे हुआ था, बट उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, तो मैंने, मेरे को कुछ ज्यादा पता नहीं था, मैंने अरविंद सर का एक लेक्चर सुना था चंदन बला लाक्षादी तेल पे, तो मैंने अपने आप से उसको 20 ml, किसी को मैंने बताया नहीं, मैंने घर में ही उसको 20 ml मात्रा बस्ती दे दिया फॉर 6-7 days, और उसके बाद से उसको दोबारा 2-2.5 महीने ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब ही वॉज परफेक्टली ओके, मतलब मैं कहीं भी जाती उसको लेकर, स्कूल में पढ़ता था मतलब वो प्ले वे वाला जो छोटे बच्चों का स्कूल रहता जहाँ खेलते हैं बच्चे, तो वहाँ प्रॉपर वो 3-4 घंटे स्पेंड करके आता था, उसको कोई इशू नहीं होता था, बट ये अभी 2.5 महीने के बाद रेपिटेशन हुआ है, तो मेरा पर्टिकुलर है कि कोई अगर मैं मात्रा वस्ती या कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑयल है जो मैं उनको दे के वो इस फीवर वाली कंडीशन में पहुंचे ही ना, क्योंकि उसको ये सिर्फ तब हो रहा है जो मेरी ऑब्जर्वेशन है जब उसका फीवर 100 क्रॉस करता है, और फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई आसपास नहीं होता हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी, अभी कल जैसे नीचे हमें मतलब हम फ्लैट के नीचे जैसे उतरे मेरे मदर इन लॉ तो उनको कैब मिल गया, कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन कि आदमी बिल्कुल अकेला होता है, उसके आसपास कोई भी नहीं होता बच्चे को पिक करने के लिए या ड्राइव करने के लिए भी, तो इसलिए पूछा कि इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं और इसको प्रिवेंशन की, फीवर ऐसा हो ही ना इतना ज्यादा, 99-100 तक वो ठीक रहता है, क्योंकि मैं उसको घर से भी ना पानी में, जो उस दिन शशि मैम ने थोड़ा बताया था, तो मैंने उसको क्या किया था पानी में ना उसको लगातार 10-12 मिनट उसका जो छोटे बच्चों का बाथटब रहता है उसमें उसको बिठा करके उसके ऊपर से थोड़ा पानी डाला, तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो गया, उसको उसके बाद दूध पिलाकर सुला दिया, उसको आधी टेबलेट सुदर्शन घनवटी दी सुला दिया, और उसके बाद 3-4 आवर्स के बाद उसको फिर से ऐसा रिपीट हुआ, और रिपीट ऐसे हुआ कि मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसको ऐसा ये सारा बॉडी शेक या ये सब कुछ हुआ, तो इसलिए मेरे को है कि आगे से फ्यूचर में ऐसा हो ही ना, मतलब इतना फीवर राइज ही ना हो। आपके बच्चे का वेट कितना है? वेट मैम 15 kgs है उसका और हाइट 84 cm है। ओके, बाकी सब डेवलपमेंटल पैरामीटर्स ठीक है? हाँ, बाकी बिल्कुल ठीक है, जब पैदा हुआ था तभी 4.5 kgs था, ये मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी और पूरे 40 वीक्स पे थी। जी ओके मैम, तो कभी कभी क्या रहता है ना, बच्चा अपने स्कूल में, अभी जैसे आपने बताया कि अभी उन्होंने प्री नर्सरी स्टार्ट किया है, प्री स्कूलिंग, तो नए एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने के साथ साथ वो अपने खाने नहीं, नहीं वो तो बहुत खुश होता है स्कूल में, इतना खुश होता है और वो तो रात को ही बोलता है कि मुझे मम्मा तैयार कर दो। नहीं नहीं, मतलब जाकर तो बहुत खुश है, ध्यान नहीं रख पाते हो या फिर न्यूट्रिशनल नहीं, नहीं खाने पीने का उसका कोई भी इशू नहीं है, मतलब वो हर दाल सब्जी बिल्कुल आयुर्वेदिक वे से ही चलता है वो, मैं उनको कोई बाहर की चीज नहीं देती, अपने दोनों बच्चों को बिस्किट चिप्स ये सब कुछ हमारे घर में आता ही नहीं है, मतलब आए भी तो गेस्ट के लिए आए तो वो अलग से रहता है, इनको नहीं मैं देती, कुछ भी नहीं देती, रेदर मैं खुद भी नहीं कभी खाती। खेलता है मैडम वो? हाँ जी, आतप सेवन उसका कितने टाइम है दिन में? अब जब लास्ट टाइम क्या था तो इसको मैं प्लेग्राउंड में खेलने के लिए ले गई, जब डॉक्टर ने बोला कि इसका तो विटामिन डी बहुत कम है, तो ये बहुत ज्यादा गर्मी लगा इसको क्या हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि इतनी इसको ना ज्यादा धूप में भी एक्सपोजर मत करो, इसको गर्मी से बुखार हो जाता है, तो उसके बाद से मैंने इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जैसे 15-20 मिनट ऐसा ही बस इतना ही एक्सपोजर करती हूँ अब मैं, पहले तो जैसे 1-1.5 घंटा इसको दौड़ाने के लिए कि बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी हो, तो चंडीगढ़ में बहुत सारे पार्क्स हैं, तो वहां पे किसी भी पार्क में इसको बोलते थे कि भागो दौड़ो अपना जैसे भी एंजॉय करो अपना खेलो, तो तकरीबन 1/2 hour 1 hour ये खेलता था, बट अभी थोड़ा ये है कि खिलाती हूँ मैं बट 15-20 मिनट या आधे घंटे तक, फिर इसको वापस ले आती हूँ वहां से। ठीक है मैडम, तो ये संप्राप्ति यही बनती है, उनकी रस धातु दूषित है और उसकी वजह से उत्तर धातु की पुष्टि होती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है, जैसे कि आपने बताया कि उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी बताई गई है, तो उत्तरोत्तर धातुओं में जो कमी रह जाती है उसकी वजह से ये डेफिशिएंसी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे गोदंती भस्म है उसमें कैल्शियम भरपूर प्रमाण में होता है, प्रवाल पिष्टि है और अपना दृष्टि मधु हो गया, जीवंती आदि घृत इसमें मिला दीजिए, आपको बस्ती के तौर पर पीना है तो आपने जो क्षीरबला बस्ती सर ने भी बताई है कई बार, अश्वगंधा तेल की है या यष्टिमधु घृत की है, शतावरी घृत की है, वैसे बस्तियां भी दे सकती है। इनटेक के तौर पे ये जो गोदंती यष्टिमधु गिलोई गिलोई चूर्ण इनका आप मिश्रण बना के शहद, गिलोई चूर्ण या गिलोई सत्व,
गिलोई चूर्ण दीजिए मैडम, क्योंकि गिलोई सत में मैंने बच्चों के केस में देखा है कि काफी स्ट्रॉन्ग पड़ता है, तो गिलोई चूर्ण दे, है ना? गोदंती, एष्टी मधु और गिलोई चूर्ण जी, डेली बेसिस पे आप देंगे 15 दिन, तो उनका जो स्टिम्युलेशन होता रहता है ना, मतलब बार बार बुखार आता रहता है, वो भी कम होगा। अगर गिलोय चून की जगह गिलोय क्वास दे दूं, क्योंकि उसको ना रोज ही मैं, जैसे तकरीबन तब से ही ना मैंने खुद ही से प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया उसको, थोड़ा इलायची सौंफ ना पानी में डालकर उसी में ना थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा गिलोय और यष्टी मधु का डाल देती हूँ, तो उसको फिर ये ड्रिंक उसको दिन में ना जैसे सिप सिप लेने को मैं करती रहती हूँ, वो अगर वो चल जाए या गिलोय सत्वी, क्योंकि थोड़ा गिलोय पाउडर वो थोड़ा कड़वा रहता है खाने में, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं, आप शहद के साथ मिला के दे दीजिए ना मैडम, क्योंकि अगर ये आपने गोदंती बस में यूज करना है तो ये डाइल्यूट नहीं होगा जी, जी के लिए मैं ये किसी लिवर टॉनिक में मिला के दे दूं, वो भी थोड़ा मीठा रहेगा, शहद खाता नहीं है एक्चुअली। अमृता रिस्ट दे सकते हैं, अमृता रिस्ट दे सकते हैं। आशा मैम जी सर, और वस्ती में कौन से वस्ती दे सकती हूँ? बस्ती में आप शीर बला, अश्वगंधा, जो भी मतलब बलवर्धन बस्ती है जिससे आप बच्चे का कैल्शियम इंटेक वगैरह, कैल्शियम एब्सॉर्प्शन बढ़ा सके, जिससे विटामिन डी की कमी है वो दूर हो जाए, उसकी धातुओं का पूर्ण तरीके से। शीर बस्ती अच्छा है ना? कौन सा सर? टिक तक शीर बस्ती और चंदन वाला लाक्षादी तेल का 1 साल तक बस्ती दीजिए ना, पूरा ठीक हो जाएंगे बच्चे। ठीक है सर, चंदन वाला लाक्षादी उसको कितने ml दूं? कितना एज कितना है? 2 years 5 months है उसकी एज और 15 kgs वेट है। तो आप 20 ml 25 ml इतना दीजिए, एक दिन चंदन मिला लाक्षादी तेल, एक दिन टिक तक शीर बस्ती। ठीक है, तो ऐसे मतलब जो आपने वो 42 डेज का ब्रेक बोला था वो ब्रेक करके, फिर ब्रेक करके ऐसे 1 साल दीजिए, फिर देखिए कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसे गुड़ूची जाएगा ना, तो गुड़ूची और दूध जाएगा तो धातुओं को रसायन कार्य हो जाएगा। जो तिक्तक शीर बस्ती है उसमें कौन सा घृतिया तेल ऐड करूं? महातिक्तक घृत या गुगुल तिक्तक घृत, तिक्त रसात्मक घृत डालिए। ठीक है, तो 10 ml चलेगा क्या? हाँ हाँ। और जो ये तो मतलब एक तरह शमन और शोधन दोनों वस्ती रहेगा, तो इसकी क्वांटिटी क्या रहेगी तिक्तक शीर बस्ती की? तिक्तक शीर बस्ती का 50 ml तक डालिए, 25। ठीक है, 25 ml या 35 ml जितना वो बच्चा ले पाए आराम से। ठीक है, नहीं जब इसको मैंने पिछली बार हुआ था ना, मार्च में हुआ था आई थिंक, तो उस समय मार्च या अप्रैल बिगनिंग में हुआ था, तो उस समय मैंने 7 दिन इसको ना चंदन बला लाक्षादी तेल 20 ml दिया था। लेकिन तो 7 जैसे दिन मैं, से नहीं होगा, आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा 42 जी जी सर, अब कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि 7 दिन के बाद इसको कुछ हुआ ही नहीं, फिर मेरे को लगा कि ये बिल्कुल ठीक है, तो अभी कल ही ऐसा हुआ तो फिर मैं डर गई कि अभी कुछ आयुर्वेद में ही करना पड़ेगा। वो ज्वरग्न भी है, तिक्त रसात्मक भी है, रसायन भी है। अगर मैं ये तिक्त और चंदन वाला बस्ती देती हूँ तो ओरली कुछ देने की जरूरत है या नहीं? क्योंकि ओरली बहुत मुश्किल रहता है। है ही नहीं, जरूरत नहीं, बस्ती से ही जाने दीजिए। मैं भी बस्ती ही देना चाहती हूँ, क्योंकि वो उसके लिए कंफर्टेबल भी है, और जैसे रात को सोने वक्त दे दिया तो बच्चा आराम से 10-12 घंटे अपना सोया और फिर वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, तो ये 10-12 hours तक इसका एब्जॉर्प्शन रहता था। मॉर्निंग में जब भी इसमें मोशन होता था तो ऑयल के साथ थोड़ा थोड़ा वो मल का जो पार्टिकल था तो उसके साथ ही वो होता था। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू आशा मैम, थैंक यू। बोन्स भी स्ट्रांग हो जाए, और एक और काम कर सकते हैं, सांवला करके जो आता है दूध पापेश्वर का, जी सर, एक एक चम्मच सुबह शाम, इम्यूनिटी अच्छा हो जाएगा। सर आमले का ना मैंने खुद से ही घर में जैम बनाया हुआ था, जब ये अक्टूबर का महीना था तो 5 kilo जैम बना के रख लिया था शुद्ध आमले का ही, तो वो दे सकती हूँ? दे दीजिए, रसायन। आमले का भी जैम बना के रखा है, फिर उसके बाद अभी मैंने कूष्मांड अवले भी खुद ही घर पे बनाया था, कूष्मांड और नारियल का डाल के, तो वो भी वो खाता है रेगुलर रूटीन में। खाने दीजिए। ठीक है, और घी मिर्च का भी कुछ इंक्रीज करना है, घी तो उसको रेगुलर मैं दिन में 40-50 ml का लड्डू, कभी ये लड्डू कभी वो लड्डू, ऐसे कुछ खिलाते रहिए, सीजनल फ्रूट्स खिलाते रहिए मैम उसको। सबसे पहला तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रखना है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है, वही मुझे सबसे ज्यादा ही कंसर्न टेम्परेचर का है, तो उसके लिए आपको क्या करना है ना कि कोई भी कॉटन को गीला कर लीजिए ठंडे पानी से, या टॉवेल को गीला कर लीजिए ठंडे पानी से, और पूरी बॉडी को उससे पोंछ दीजिए, हल्का हल्का पंखा चला दीजिए। किया था मैंने, जैसे इसको
सुबह में जब मैंने इसको देखा, जैसे ये मेरे पास ही था बच्चा, तो 4 बजे इसको जैसे फीवर हुआ, तो मैंने 5 बजे तक तो इसका पट्टी की, बट मेरे को लगा कि ये ऐसे करके ठंडी पट्टियों से भी इसका थोड़ा सा नॉर्मल होता था, पर माथा फिर गर्म हो रहा था, तो मैंने इसको नहला दिया, मतलब 10-15 मिनट टब में मतलब उसको बिठाया और इसके ऊपर पानी डालती गई, तो ये बिल्कुल एकदम से सही हो गया था। 3-4 घंटे सही ही रहा, उसी समय मैंने इसको आधी टेबलेट सुदर्शन घनवट्टी दी और दूध दिया और ये सो गया, सही रहा। और उसके बाद जब भी इसको ड्रॉप बेटी को ड्रॉप करने गई, तो आके मेरे को पता लगा कि वो तो हॉस्पिटल चले गया, तो तब मेरे एकदम से हुआ कि अभी मेरे को आयुर्वेद ही करना है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं, यहाँ ICU में या जितने भी लोग हैं, वो सब बस यही बोल रहे हैं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जब इसको दोबारा होगा, इसको फ्रीजियम का टेबलेट है, ये इंजेक्शन से इसको घोल करके 3 दिन दे दो बस आप। जी, और जैसे पाठक सर ने बोला और आशा मैम ने भी बोला कि जो ज्वर होता है वो अग्निमांड की वजह से होता है, तो अग्निमांड में दीपनम पाचनम दीपनम काले यवागो तिक्तको रसा, मतलब तिक्त रस का इंडिकेशन वहां पे सबसे ज्यादा किया गया है। तिक्त रस प्रधान आपका गुडची या गिलोय भी तिक्त रस होता है, उसमें वासा वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो। और सर ने बताया जैसे अगर जो घृत का भी इंडिकेशन करें तो पंचतिक्त घृत, मैं वो बना दूंगी। तिक्तक्षीर बस्ती 50 ml बनाने में तो कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, और मेरे को उस पे 100% विश्वास है कि उससे होगा ही होगा, क्योंकि बस्ती के तो डेफिनेटली एक अर्ध चिकित्सा भी है और वो तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट रहेगा वो तो। और एक चीज और भी अगर आप चाहें, एक चीज और भी अगर आप चाहें तो मुक्ता शुक्ति शंख और कुल्या भस्म मिश्रण, इसको ब्राह्मी वटी के साथ अगर लगातार चलाते रहेंगे तो इसको सीजर्स वगैरह कभी नहीं आने वाले। तो इसकी बट प्रकृति पित्त है वो, इसलिए मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जब ये पैदा होता है ना, तो इसके फेस पे ना दाने थे बहुत ज्यादा, तो और इसका वेट बहुत ज्यादा था, मतलब नॉर्मल बच्चों से, तो डॉक्टर ने बोला था कि हो सकता है इसकी शुगर ना कम हो जाए, तो 2-2.5 घंटे के बाद ही ना उन्होंने इसको बोला था कि इसको शुगर चीनी का घोल दे देना, जब डिलीवरी हुआ ही था मेरा 4.5 kg साइज का बच्चे का वेट, तो इसके मुंह पे बहुत दाने थे, तो वो जो दाने थे वो अपने आप से ही 1 month के बाद बिल्कुल फेस बिल्कुल क्लीन हो गया था उसका। जी जी, तो अच्छा, इसमें जैसे जैसे तिक्त रस का विधान करेंगे ना, कि हम लोग अग्निमान्यता का ट्रीटमेंट करते हैं तिक्त रस से, जी सर, रसा, तो ये जो आप फेस के दाने वगैरह या पित्तज प्रकृति है ऐसा बोल रही हैं, तो पित्तज प्रकृति के लिए जो शंख भस्म है वो बढ़िया काम कर देगा। इसके अलावा तिक्त रस जो है वो स्किन डिसीजेज में भी अच्छा रोल प्ले करेगा। अभी तो कुछ नहीं स्किन डिजीज, अभी तो बिल्कुल साफ है, वो तो तब बता रही हूँ कि जब डिलीवरी हुआ था उसके तकरीबन 20-25 days ना, तो ऐसे मुंह पर हल्के हल्के जैसे पिंपल्स नहीं होते, तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ऐसा देखा था कि किसी बच्चे पे ऐसा पिंपल जैसा है, और मेरे को ऐसा लगा कि शायद इसका पित्त बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि तो मैंने प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा आहार सेवन किया नहीं, तो वही मेरे को समझ नहीं आया कि ऐसा पित्त है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी पित्त प्रकृति है, मेरे मदर इन लॉ का भी पूरा पित्त प्रकृति है, तो हो सकता है जेनेटिक हो या कैसे पता नहीं। जी 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 हाँ, हो सकता है। मैम, बर्थ कौन से महीने में है आपके बच्चे का? मैम, बर्थ मार्च में हुआ था, जस्ट कोविड से पहले, पहले अम्लधर्मी, इसीलिए पित्त का ज्यादा प्राप्तिकरण है। ठीक है मैडम, जैसे इन्होंने बताया सबने, सर ने, वैसे आप करिए, डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। बस्ती का थोड़ा आपका पंचतिक करूं इसके अंदर, क्या क्या कह रहे हो? थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मैं एक चीज ऐड करती हूं। थैंक यू।